पार्क में प्रोडक्शन वॉल और साइकिलिंग पथ की तामीर तोसी। नई गाइडलाइंस के तहत जम्मू कश्मीर में सैयाहों की आमद को मिली हरी झंडी और काश्तकारी के शोबे को फरोग देने के लिए किसान पखवाड़े के तहत किया गया किसान मेले का अहतमाम। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। कुदरती खूबसूरती से मालामाल बारामूला जिले का इको पार्क न सिर्फ माहौलियात को तहफ्फुज़ अदा करने के लिहाज से अहमियत का हामिल है बल्कि सयाहों को भी अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा यहाँ पर सहूलियात को बहाल करने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी के तहत कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बंद पड़े तामीराती कामों को फिर से शुरू किया गया है। तामीराती कामों से इस इको पार्क की रौनक तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ इससे लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कुदरती तौर पर खूबसूरत है और यही वो खास बात है जिसकी दुनिया कायल है। पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाकई ये तस्वीर है बारामूला जिले के इको पार्क की। बड़ा का खूबसूरत ये पार्क मौसम गर्मा के दौरान एक अलग ही सुकून और ताजगी बख्शता है। एक तरफ दरिया तो दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से ढके पहाड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते नजर आते हैं। इस जिले के बेहद ही अहम तरीन इस सियाहती मकाम को नई शक्लो सूरत अदा करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ये जो काम है यहाँ पे बारामूला में चल रहा है जिसे इको पार्क के नाम से जाना जाता है, हम ये यहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगा रहे हैं दरिया के साइड से, जो कि हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था। तो आज लॉकडाउन की वजह से कुछ मतलब महीने हमें बैठना पड़ा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से काम कंप्लीट नहीं हुआ था। बारामूला से उड़ी जाने वाले रास्ते में झेलम दरिया के किनारे वाके इस पार्क में सयाहों को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत मौजूद है। मकामी सतह पर इसकी अपनी मकबूलियत तो है ही, इसे दुनिया की सियाहती मकाम के मैप पर लाने के लिए इको पार्क के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ पर जारी तामीराती काम को कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रोक दिया गया था, मगर अब उसमें दर्ज हो रहे सुधार के बीच एक बार फिर से इसके तामीराती काम को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बारामूला एक ऐसी जगह है जहां हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहां हमारी जो इकोनॉमी है इसको अगर रिवाइव करना है तो टूरिज्म सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास देखिए अभी इको पार्क भी है, गुलनार पार्क भी है, हमारा ऊपर हाजीबल भी है, बहुत ही अच्छा स्पॉट है, या और भी बहुत सारे सन्स है, बाकी चीज़ है, डूनवारी है, बहुत सारी जगह है जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इस इको पार्क में दरिया के किनारे पर दीवार की तामीर की जा रही है। दरिया और पार्क के बीच प्रोटेक्शन वॉल के तौर पर इसे तैयार किया जा रहा है ताकि यहां पर पहुंचने वाले सैयाहों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा साइकिलिंग पाथ की तामीर और तौसी का भी अज्म किया गया है। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत और कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेप लिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है एक बांड को, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमारी अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से ताकि बाकी पार्क्स जहाँ पे भी नीड है वहाँ ऐसी प्रोग्रेस कायम करें। जम्मू कश्मीर का हर इलाका सियाहत के लिहाज से अहमियत का हामिल है। यहाँ पर पहुँचने वाले सयाह यहाँ के कुदरती खूबसूरत नजारों का दीदार कर सके और उन्हें एक से बढ़कर एक मुतबादिल मुहैया हो, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन तमाम इम्कानात को तलाशा जा रहा है जो यहाँ की सियाहत को फरोग देने में अहम साबित हो सकते हैं। बारामूला के इस इको पार्क को नई शक्लो सूरत अता करने की जारी ये कोशिश इस बात की तस्दीक करती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत को पटरी पर लाने की कोशिशों की। दुनिया भर में सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल इसकी रौनक सयाहों की मौजूदगी में ही है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर यहाँ के सियाहती मकामात को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था। अब इसके खतरे में दर्ज हो रही कमी के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता सयाहों की आमद को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है।
इसके लिए बाकायदा नई गाइडलाइंस पर सैयाहों के साथ साथ इस शोबे से बावस्ता लोगों का उस पर अमल करना लाजमी होगा। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती का दीदार करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सियाहत के लिहाज से दुनिया भर में मकबूल यहाँ के सियाहती मकामात को खोलने का ऐलान कर दिया गया है। काबिले जिक्र है कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन को लेकर जम्मू कश्मीर में सियाहती सरगर्मियां ठप पड़ गई थी। कोरोना वायरस के खतरे में दर्ज रही कमी के बीच एक बार फिर से यहाँ की मईशत की बुनियाद यानी सियाहती शोबे को पटरी पर लौटाने का आगाज किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर अपने यूनियन टेरिटरी का ताल्लुक है, जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक है, इसमें टूरिज्म का जो पोटेंशियल है तकरीबन 8-10% GDP का ग्रोथ है और हमारे यहाँ तकरीबन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20-30% लोग जो वाबस्ता है टूरिज्म के साथ। पहले फर्स्ट फेज में सिर्फ वो ट्रैवलर्स को अलाउ किया गया है जो बाईर आएंगे, जिनकी प्रबुकिंग टिकट होगी, जिनकी ऑनलाइन टिकट होगी, जिनका होटल ऑनलाइन बुक होगा, प्रबुकड बुक होगा और जिनकी वापसी टिकट भी ऑनलाइन बुकड होगी। मुल्क के अनलॉक होने का सिलसिला शुरू होने के साथ ही वो तमाम इकदामात किए जा रहे हैं जो सियाहत को फरोग देने में अहमियत के हामिल हैं। लिहाजा टूरिज्म महकमा सियाहों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हुकूमत की जानिब से सिलसिलेवार तरीके से सियाहों को यहां पर आने की मंजूरी देने का जो ऐलान किया गया है उससे इस शोबे से वाबस्ता लोग कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाया कि हम विल ब्रिंग द टूरिज्म हियर बैक एंड सो टूरिस्ट विल बिकम सेफली हियर, दे विल गेट अ चेक इट, दे विल बी गेट अ नाइसली चेक इट, दे विल गेट अ नाइस टेस्ट इट एंड दे विल 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 वेलकम देम in the boats or in hotels or in Shikara. So we'll be take care ourselves also. We'll be take sanitizer and a mask and we'll keep social distance. जम्मू कश्मीर में सियाहों की आमद को बढ़ाने के लिए सिलसिलेवार तरीके से अमल किया जा रहा है। मकसद यही है कि लोग कोरोना वायरस के खतरे से भी बचे रहें और यहाँ की सियाहत को भी फरोग मिले। लिहाजा पहले मरहले में सिर्फ हवाई जहाज से आने वाले सियाहों को ही यहां पर दाखिल होने की इजाजत होगी। उनका COVID-19 टेस्ट जरूरी होगा। होटल और हाउस बोट की बुकिंग भी एडवांस में करानी होगी। उन्हें अपनी वापसी के एडवांस हवाई टिकट की जानकारी भी देनी होगी। सियाहों के पास आरोग्य सेतु ऐप भी होना चाहिए। अगर टूरिस्ट आएंगे खाली इतना एहतियात रखना है उनको, जैसे सैनिटाइजर रखना है, मास्क रखनी है, गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो अगर वो करेंगे तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो हम अगर हमारे लिए कोई गाइडलाइंस है तो हम भी वो फॉलो करेंगे, सब फॉलो करेंगे तो वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। सियाहों के साथ साथ सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों को भी गाइडलाइंस पर अमल करना होगा, फिर चाहे वो होटल मालिक हों, हाउस बोट मालिक या फिर शिकारा वाले। दीगर बात ये है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती है। कोरोना वायरस के खतरे को खत्म करने में हर किसी का तआवुन जरूरी है। इसी के मद्देनजर तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए गाइडलाइंस तैयार की गई है। इस पर अमल करते हुए जल्द ही यहाँ के सियाहती मकामात सियाहों की मौजूदगी से गुलजार होंगे। और अब बात करते हैं पुलवामा जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के अपग्रेडेशन की। साल 2008 में कायम हुआ वुमेन डिग्री कॉलेज यहाँ की तालिबात के लिए आला तालीम हासिल करने के ख्वाब को यकीनी बनाने में अहम साबित हुआ है। इस कॉलेज में दाखिला लेने वालों की तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही है और उसके मुताबिक इसके रकबे को बढ़ाना जरूरी हो गया। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए यहां पर लैब और लेक्चर क्लास के लिए दो नई इमारतों की तामीर व तौसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कॉलेज में सहूलियात बहाल होने से तालिबात को बेहतर तरीके से तालीम मुहैया कराने में मदद मिलेगी।
पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तालीम हासिल करना हर किसी का बुनियादी हक है, लिहाजा लोगों को यह हक हासिल हो इसके लिए तालीमी शोबे में इनकलाब लाया जा रहा है। बच्चों की तालीमी इदारों तक पहुंच को आसान बनाने को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है, खासकर तालिबात के लिए जो दूर जाकर तालीम हासिल नहीं कर पाती हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में इसी के तहत साल 2008 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन की तामीर की गई थी। कॉलेज में बच्चियों की बढ़ रही तादाद और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर अब इसके अपग्रेडेशन के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। यहाँ पर जो साइंस कंस्ट्रक्शन बन रहा है बहुत ही अच्छा है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर गर्ल्स को ज्यादा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई, इससे हमें बहुत ही सारे फायदे होंगे। पुलवामा जिले के तालिबात के लिए वुमेन डिग्री कॉलेज एक बड़ी सौगात है। इस कॉलेज के बन जाने से इस इलाके की तालिबात के लिए आला तालीम हासिल करना आसान हो गया। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि महज कुछ बरसों में ही यहाँ पर दाखिला लेने वाली तालिबात की तादाद हजारों में पहुँच गई है। शुरुआत में जो लेक्चर हॉल और लैब बनाए गए थे वो अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। हुकूमत ने तालिबात की मुश्किलों को समझा और इसके रकबे को बढ़ाने का अज़्म किया, इसी के तहत यहाँ पर इस तामीराती काम को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे साइंस ब्लॉक नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त यहाँ पे साइंस ब्लॉक बन रहा है। इसके बरक्स एक लेक्चर रूम बन रहे इस टाइम और भी और एक बिल्डिंग बन रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो है बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही है। रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर की जानिब से वुमेन डिग्री कॉलेज के अपग्रेडेशन के काम को पूरा किया जा रहा है। कॉलेज के अहाते में दो बिल्डिंग की तामीर और तौसी का काम चल रहा है। लैब के लिए 3 मंजिल की इमारत और लेक्चर क्लास के लिए 2 मंजिला इमारत तैयार की जा रही है। पहले की 3 मंजिला इमारत में मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लैब होंगे और वो तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से लैस होंगे। दूसरी इमारत में 8 लेक्चर क्लास तालिबात को मुहैया कराए जाएंगे। बहुत फायदा हो जाएगा, एक तो इसमें साइंस ब्लॉक है तो उसमें इनको, क्योंकि इस वक्त इनकी एक ही बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ एकेडमिक क्लास ही चल रही है, बाकी इनके पास कोई लेबॉरेटरी नहीं है, फिजिक्स में कोई नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है। जैसे ये बिल्डिंग है 2 कम्प्लीट हो जाएंगी, एक तो इनकी लेबॉरेटरी, उसमें तकरीबन 12 लेबॉरेटरीज हैं, तो उससे काफ़ी बच्चों को फायदा हो जाएगा। तालीम हासिल करने में तालिबात की दिलचस्पी काबिल तारीफ है, लिहाजा उन्हें तालीम मुहैया कराने का बेहतर इंतजाम हो इस पर खास तौर से तवज्जो भी मरकूज की जा रही है। वुमेन डिग्री कॉलेज में जारी ये तामीराती काम इस बात की तस्दीक है। इस बिल्डिंग को तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर तालिबात के लिए तालीम हासिल करने में आसानी होगी। बेहतर सहूलियात के बीच वो इत्मीनान के साथ आला तालीम हासिल करने के ख्वाब को यकीनी बना सकेंगी। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कश्मीर के गीतकार और गुलोकार राही सईद अपने नए सिंगल सरमस्त को मिल रहे जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस से हैं गदगद। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक कश्मीर से है और इस लिहाज से नौजवानों की सही तरीके से नुमाइंदगी करना उनकी जिम्मेदारी है। ब्रिटेन में काम करने वाले कश्मीर के डॉक्टरों ने वादी के लोगों से की अपील। इसमें लोगों से कहा गया है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए लोगों को चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सलाह पर करें अमल। पावर सेक्टर को मजबूती देने के संबंध में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने 19.51 करोड़ रुपए के 10 पावर प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग, बड़गाम और कुलगाम जिले में बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए 30.35 करोड़ के 7 दूसरे पावर प्रोजेक्ट्स की रखी गई संगे बुनियाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यूनियन टेरिटरी की तरक्की के लिए हर किसी की भागीदारी जरूरी थी, लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेकर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस पर खास तौर से तवज्जो भी मरकूज कर रही थी।
देही इलाकों में हर घर तक पाइप वाटर पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से जल जीवन मिशन का आगाज किया गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम देही इलाकों समेत यूनियन टेरिटरी के बॉर्डर इलाकों में इस हदफ को जल्द से जल्द हासिल करने की ताकीद की गई है। और अब बात करते हैं किसान पखवाड़ा के तहत मुनक़िदा किसान मेले की। जम्मू कश्मीर की आबादी की एक बड़ी तादाद देही इलाकों में रिहायश पजीर है, जो कि न सिर्फ काश्तकारी पर मुनहसर है बल्कि उनकी रोजी रोटी का वाही जरिया भी है। लिहाजा काश्तकारों की फलाह व बहबूद का ख्याल रखना हुकूमत की तरजीहात में हमेशा शामिल रहा है। इसी के पेश नज़र मुनक़िद किए गए किसान मेले के जरिए काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड तकसीम किए गए और उसकी अहमियत व इफादियत से रूबरू कराया गया। इसके साथ ही काश्तकारी के शोबे में बेहतरी लाने के लिए किसान किस तरह के तरीके अपना सकते हैं इस पर भी तवज्जो मरकूज की गई। उधमपुर में मुनक़िदा किसान मेले में किस तरह की सरगर्मियां रही, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारों की फलाह बहबूद को लेकर हुकूमत किस कदर संजीदा है, इसकी मिसाल है किसान पखवाड़ा 2020 के तहत मुनक़िदा किसान मेले की ये तस्वीरें, जिसका इनेकाद जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के इलाके में किया गया। इस दौरान देही इलाकों से आए काश्तकारों से रूबरू होते हुए आला अफसरान और माहिरीन ने काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाने के नुस्खे बताए। इसके साथ ही काश्तकारों को हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमों के बारे में न सिर्फ बताया गया बल्कि उनसे होने वाले फवायद से भी आगाह किया गया। जाहिर है किसान पखवाड़े का एहतमाम काश्तकारों के मसाइल का इजाला करने में मददगार साबित हो रहा है। मेरी पंचायत में पिछले दिनों डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी आए थे, उन्होंने भी किसान पखवाड़ा किया और वहां लोगों को जागरूक किया, जो हमारी लोगों की परेशानियां थी वो भी सुनी। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब हमारे साथ अभी काम कर रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और अपने किसान भाइयों को भी यहां से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको किसी का फायदा लेना चाहिए और बनाना चाहिए कि टाइम से उनका फसल लग सके। हुकूमत की जानिब से ऐसी कई स्कीमों का आगाज किया गया है जिसके जरिए काश्तकारों को माली मदद फराहम कराई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड इसकी वाज़ह मिसाल है, लिहाजा किसान पखवाड़े के मौके पर काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड भी तकसीम किए गए। इस कार्ड का इस्तेमाल करके काश्तकार बैंक से माली मदद हासिल कर सकते हैं। काबिले जिक्र है कि काश्तकारों को कई बार पैसों की तंगी की वजह से बीज और खाद खरीदना मुहाल हो जाता है और ये सूरत हाल काश्तकारों के लिए काफी तकलीफ देह होती है, लेकिन अब काश्तकार किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने किसान ग्रांटी कार्ड जो हमारा पहली बार बना है और हमारे बीज लेने के लिए जहाँ कोई बीज लेने के लिए जहाँ कोई खाद लेने के लिए इससे बहुत हमें फायदा मिलेगा। इससे आगे भी हम सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ और भी स्कीमें आती रहें और हम काम करते रहेंगे। पहले हम कहीं भी किसी से जरूरत पड़ती थी तो हमें कोई नहीं देता था, आज बैंक और जो एग्रीकल्चर केसीसी लोन जो मिल रहा है इससे हमें खुशी प्राप्ति होती है। किसी को जरूरत कहीं भी हो, किसी भी खाद की हो, बीज की हो, कुछ भी हो, हम उसको इस बैंक में जाके एक नॉर्मल आइडेंटिफाई देकर आप ले सकते हो। किसान मेले में ऐसे कई स्टॉल भी लगाए गए जिनका मकसद काश्तकारी, बागबानी और दीगर शोबे में हुए तजुर्बात को काश्तकारों के साथ साझा करना था। मसलन किस मौसम में कौन सी फसल की काश्त मुनाफा बख्श साबित हो सकती है, किस तरह के और किस किस्म के बीज का इस्तेमाल करना सूदमंद होगा, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार को यकीनी बनाया जा सकता है, किस तरह की खाद जमीन और फसल की पैदावार के लिए मुनासिब रहेगी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे काश्तकारों को रूबरू कराया गया। जाहिर है इन पर अमल करके काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। जैसे आपने इधर देखा कि दो स्टॉल लगाए थे जीविका के, तो वो मेरे ही ब्लॉक में पड़ते हैं, एक चक पंचायत में पड़ता है और एक मलाड में पड़ता है, और उससे ये बेनिफिट हुआ कि जो हमारे किसान भाई थोड़ा अपना खेतीबाड़ी में काम करने से थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, तो जब ये दो प्रोजेक्ट लगे हैं, मैं अभी डी साहब से बात कर रहा था कि अभी हर पंचायत में ये प्रोजेक्ट लगाइए, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि ये ऐसे पखवाड़े जो हैं हर पंचायत में प्रोग्राम होने चाहिए।
काश्तकारी के शोबे में इस तरह का बदलाव आए जिससे काश्तकारों को उनकी मेहनत का बेहतर सिला मिले, इसके लिए हुकूमत मुसलसल संजीदा कोशिशों में लगी हुई है। इसकी वजाहत काश्तकारी के शोबे में फरोग देने और काश्तकारों को माली मदद फराहम कराने के लिए शुरू की गई हुकूमत की फलाही स्कीमों से भी हो जाती है। हुकूमत की कारकर्दगी इस बात का वाज़ह सबूत है कि वो काश्तकारों के साथ खड़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हुकूमत ने इस तरह का हदफ मुकर्रर कर रखा है जिसका मकसद काश्तकारों की जिंदगी को खुशहाल बनाना है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। मुल्क के अनलॉक होने के साथ ही अब फिल्मों के ट्रेलर रिलीज होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिल बेचारा और फिर फिल्म यारा के ट्रेलर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। क्राइम और दोस्ती पर बेस्ड इस फिल्म में विदु जामवाल और श्रुति हसन मरकजी रोल में है। फिल्म के ट्रेलर को खासा पसंद किया जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये साल दो चीजों के लिए बड़ा मशहूर रहा, जय वीरू की जोड़ी और चौकड़ी गैंग। फागुन, मितवा, रिजवान और बहादुर, यही थे इस चौकड़ी के चार। अदाकार विद्युत जामवाल और श्रुति हसन की मरकजी किरदार वाली फिल्म यारा की कहानी से पर्दा उठा दिया गया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज इस फिल्म के ट्रेलर को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पर इन्होंने एक दूसरे को नहीं चुना था, किस्मत ने इन्हें चुना था। फिल्म यारा की कहानी इसके टाइटल के मुताबिक यारी दोस्ती पर बेस्ड है। चार किरदारों के बीच गहरी दोस्ती को मरकज में रखकर इस फिल्म की कहानी का ताना बाना बुना गया है। तिग्मांशु धूलिया की हिदायतकारी वाली ये फिल्म 2011 की फ्रेंच मूवी गैंग पर बेस्ड है। वो भी तो दूर रहा 20 साल तक। फिल्म में विद्युत जामवाल, अमित साध, विजय वर्मा, केनी और श्रुति हसन लीड रोल में हैं। क्राइम ड्रामे पर मबनी इस फिल्म में मारधाड़ और एक्शन को भरपूर जगह दी गई है। फिल्म के ट्रेलर को एंटरटेनिंग माना जा रहा है और शायकीन खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। तुझे आना नहीं चाहिए था। बहुत खून बह गया। नहीं, अभी थोड़ा और बहना बाकी है। और अब बात फिल्म मिर्जापुर 2 की करते हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर के दूसरे सीजन की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी। उसकी डबिंग का काम बचा हुआ था। एहतियाती इकदामात पर अमल करते हुए उसकी डबिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस वेब ड्रामे की स्टारकास्ट ने इससे मुतालिक जानकारी शेयर करते हुए जल्द ही इस काम के पूरा होने की उम्मीद जताई है। इसी पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। लोगों में डर खत्म हो रहा है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वेब सीरीज के मशहूर ड्रामे मिर्जापुर की नेक्स्ट सीरीज मिर्जा 2 को रिलीज करने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। काबिले जिक्र है कि शूटिंग कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन से पहले ही पूरी हो चुकी है। इसकी डबिंग का काम बचा हुआ था जिसे अब पूरा किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में बंद पड़े कामों को आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया जा रहा है। इसमें पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी शामिल है। मिर्जापुर 2 वेब सीरीज के मशहूर ड्रामे मिर्जापुर की अगली कड़ी है। दिवेंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी शेयर की है कि इसकी डबिंग का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर तमाम एहतियाती इकदामात पर अमल कर रहे हैं और जल्द ही इसकी डबिंग का काम पूरा हो जाएगा। बड़े पर्दे पर फिल्म के रिलीज न होने से फिलहाल वेब ड्रामे लोगों के एंटरटेनमेंट का अहम जरिया हैं। हम बोले थे राइट टाइम आएगा तो कंट्रोल देंगे तुम्हारे हाथ में। अब राइट टाइम आ गया है। और अब बात करते हैं सलीम सुलेमान की नई पेशकश है मांगी दुआएं।
इस ऑडियो वीडियो सॉन्ग को गुज़िश्ता दिनों रिलीज किया गया। इसमें सोशल मीडिया के मशहूर अदाकार शेख मुदस्सिर यानी फैजू और अदाकारा रूही सिंह अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यादों के सहारे जी रहे आज भी। म्यूजिक कंपोजर सलीम सुलेमान जोड़ी की नई पेशकश है मांगी दुआएं। राघव चैतन्य की आवाज में गाए इस ऑडियो वीडियो में फैजू और रूही सिंह नजर आ रहे हैं। प्यार मोहब्बत वाले इस म्यूजिक को खूब पसंद किया जा रहा है। गीत संगीत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये एक सौगात है। राघव चैतन्य की आवाज वाले इस गाने को श्रद्धा पंडित ने लिखा है। शक्ति हासिजा की हिदायतकारी वाले इस ऑडियो वीडियो सॉन्ग में सोशल मीडिया के मशहूर अदाकार शेख मुदस्सिर फैजल यानी फैजू और रूही सिंह नजर आ रहे हैं। जब से खत्म हुआ तेरा मेरा सिलसिला। दरअसल ये सॉन्ग दो प्यार करने वाली जोड़ी पर बेस्ड है। एक ऐसी जोड़ी जो हालात की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाती है। राघव चैतन्य की सुरीली आवाज और फैजू और रूही सिंह की अदाकारी का जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग इस गाने को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खुदा हाफिज़।